देखिए ये हमारा चैप्टर 2 है सेमेस्टर 3 का, ठीक है, पेपर 7। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें लेक्चर 1 हो चुका है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसमें हम बेसिक बताए हुए हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है कम्प्लीट इंटीग्रल, तो वहाँ पर कम्प्लीट इंटीग्रल के डिफिनेशन भी लिखाए हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाए हैं। अब यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, एक साथ ही 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, लिखा हुआ है, एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड सबकी निकालनी क्या, कम्प्लीट इंटीग्रल ही सबकी निकालनी है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे कंप्लीट इंटीग्रल, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करनी है, जो गिवन हमारी इंटीग्रल होती है वो हम लिखेंगे, तो 4 है ना हमारा, तो एक एक करके निकालेंगे। ओके, तो नंबर 1 में देखिए क्या है, सबसे पहले तो गिवन हमारी जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, तो द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। और रही बात मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेंगे ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी फ्रेंड्स भी पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लिए और आपके फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ठीक। तो गिवन जो हमारी गिवन इक्वेशन है क्या है, तो फर्स्ट हम इसे बनाते हैं, पी इक्वल टू 2q² + 1, ये है, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्मेशन है, तो एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्मेशन में, देखिए ओनली फॉर पी एंड क्यू ही है और कोई भी अदर चीज नहीं है, अदर वेरिएबल्स नहीं है, तो पी और क्यू वेरिएबल्स है। तो इसी को देखिए क्या करेंगे कि एफ ऑफ पी क्यू के फॉर्मेशन में डालेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, मीन्स आर एच एस में हमारा 0 होना चाहिए। तो आर एच एस में 0 किस तरीके से होगा, तो जो आर एच एस वाला चीज़ है हम एल एच एस में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज क्या लिख सकते हैं, इसको पी लिख सकते हैं, माइनस ये स्मॉल पी है, ठीक है, कैपिटल पी नहीं है, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की ही बात होती है इसमें। तो पी माइनस यहाँ पे 2q² - 1 इक्वल टू 0, आप देखिएगा एफ ओ पी क्यू के फॉर्मेशन में आ गया ना, इक्वल टू 0, आर एच एस में इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। देन अब इसे लिखेंगे, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ठीक है, या इट इज द फॉर्म ऑफ भी ले सकते हैं, फॉर्म ऑफ क्या है कि एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू ये हमारा 0 हो गया। तो देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल इज क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन होती है, ठीक है, इज क्या हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमेशा याद होना चाहिए, ये कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके रूल्स भी बता चुके हैं किस तरीके से किया जाता है, तो कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन हो गई। नाउ तो वेयर ए एंड बी यहाँ पे जो है वो रिलेट कर रहा है किसे, एफ ऑफ क्या होगा, ए बी के फॉर्मेशन से, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कनेक्टेड, कनेक्टेड या फिर रिलेट, ठीक है, कनेक्टेड बाय द रिलेशन, रिलेशन कौन से रिलेशन, तो एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ये हम 0 लिखेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मेशन से। जैसे एफ ऑफ पी क्यू है तो पी की जगह पे सिंपल ए आ गया है और क्यू की जगह पे सिंपल हमारा बी आ चुका है, ठीक है। तो दैट इज, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है ना उसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे, तो पी की जगह पे हम वैल्यू पुट आउट करेंगे क्या, ए माइनस, और क्यू क्यू की जगह पे क्या पुट आउट करेंगे, तो हम b पुट आउट करेंगे, -1 = 0, ठीक है। अब a की फॉर्मेशन में डाल देते हैं सिंपल, मीन्स क्या होगा कि a की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, देखिए दैट इज a इक्वल टू क्या होगा, ये टर्म जो है वो हम आर एच एस में भेज देते हैं, +1 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो b की फॉर्मेशन में आ गई और यहाँ पे भी b है, मीन्स क्या होगा कि आप कम्प्लीटली a की फॉर्मेशन में डाल सकते हैं इस इक्वेशन को या कम्प्लीटली b के फॉर्मेशन में डाल सकते हैं, ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन बहुत ईजी है सॉल्व करना, ठीक है, बस समझा रहे हैं हम, रिक्वायर्ड कम्प्लीट इंटीग्रल, इंटीग्रल इज क्या हो जाएगा, तो देखिए जेड इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारी है 2b² + 1, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा एक्स है, प्लस यहाँ पे क्या है, तो हमारा बी है, तो बी की ही फॉर्मेशन में डला हुआ, देखिए बी के फॉर्मेशन में, और ये वाई प्लस सी, तो ये हमारी हो गई क्या, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल की फॉर्मेशन ये हमारी आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आती है बात सेकेंड का, सेकेंड को किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे
ये 4-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में सॉल्व करना, ठीक है। जैसे कि आप लोग का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, देखिए ना 4-4 मार्क्स में, तो मे भी जो छोटे छोटे जो सॉल्यूशन होते हैं तो ये 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ओके, तो मीन्स डरना नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड वन क्या है, द गिव एन इंटीग्रल या गिव एन इक्वेशन जो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1 है, दैट इज क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस 1 इधर ले आता है, 1 जो है इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेशन में है बच्चे, द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी क्यू की फॉर्मेशन में है, दिस इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जिसमें 0 देखिए दिख रहा है ना, इससे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। नाउ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दे फॉर द कंप्लीट इंटीग्रल के इक्वेशन, कंप्लीट इंटीग्रल इज क्या हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारी हो जाएगी, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 कंसिडर कर लीजिए। नाउ इसके बाद क्या करनी है, तो वेयर ए एंड बी जो रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा, किससे कनेक्टेड रहेगा, तो एफ ऑफ ए बी से, वेयर ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, कौन से रिलेशन से, तो एफ ऑफ हमारा ए बी इक्वल टू 0, इस रिलेशन से करेक्ट है, दैट इज। तो क्या होगा देखिए, अब सिंपल है, पी के जगह पे हमें ए पुट आउट करनी होगी, क्यू के जगह पे हमें बी पुट आउट करनी होगी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है उधर चला जाएगा ना, आरएसएस में जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दैट इज करके लिख दीजिए, फिर दैट इज। तो ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, बोथ साइड रूट अंडर हम कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, इस टाइप से देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं ना, देन तो रूट जो रूट होती है वैल्यू उसकी क्या होती है, जैसे हमारी हो गई 2 रूट, ठीक है, रूट अंडर रहा तो मीन्स 2 की पावर 1/2 हो जाती है, ठीक है, जो पावर है ना ये 1/2 हाफ होती है पावर, अगर रूट डला हुआ कहीं रहे तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर इस तरीके से है, ठीक है, तो ए स्क्वायर और रूट मीन्स हमारा क्या होगा, पावर जो 1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना पावर, ये भी पावर में, ये पावर में ही ना 2, तो ठीक है, तो 2 और यहाँ 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर हमारा 1 बचेगा, सिंपल क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल होगी वो क्या होगी, देखिए हैंस, क्योंकि हमारे पास ए का वैल्यू आ चुका है, ए की जगह पे हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे और बी की फॉर्मेशन में है, देखिए, और यहाँ पे बी की फॉर्मेशन में है ही, हमें चाहिए, ठीक है, कम्प्लीटली बी में चेंज कर लीजिए या फिर कम्प्लीटली ए में चेंज कर लीजिए, यहाँ पे बी की वैल्यू भी निकाल सकते थे आप, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, ये भी पॉजिटिव है, तो बी की भी वैल्यू आप निकाल सकते थे। तो हैंस द रिक्वायर्ड क्या, कंप्लीट इंटीग्रल एल्स क्या हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पे बी वाई प्लस सी, बस हो गई सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना इजी था सॉल्यूशन देख लिए ना, अब आती है बात थर्ड वाली जो क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, सेम टू सेम है, क्या करनी है, गिवन इक्वेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो हम हाफ इरेज कर रहे हैं, हाफ बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। ये हमारी थर्ड की है, क्या है कि द गिवन इक्वेशन इज क्या है दिया हुआ, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ तो ये जो है तो इक्वल टू 4 है, तो दैट इज करके लिख देंगे यहाँ पे क्या कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए अब ये हमारी हो गई फॉर्मेशन में, एफ ऑफ पी क्यू की ही फॉर्मेशन है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी क्यू की फॉर्मेशन, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल जो हो रही है हमारी, ठीक है, देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल इज क्या हो जाएगा,
तो सिंपल है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेशन में चला जाएगा। इक्वेशन टू कंसिडर कर लीजिए नाउ। तो वेयर सॉरी ठीक है, ए और बी जो रिलेशन होगी किससे रिलेट करेगी, तो एफ ऑफ पी क्यू से रिलेट करेगी। ठीक है, हम ये इरेज कर देना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर कनेक्टेड कनेक्टेड बाय द रिलेशन, रिलेशन कौन से, तो एफ ऑफ ए बी का रिलेशन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दैट इज देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ये हमारा जीरो हो जाएगा ना। ठीक है देन, तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए ए की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, उधर कर देते हैं सारे टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देन इसको रूट अंडर कर सकते हैं ना, जैसे भी जस्ट इससे पहले किए तो इसको भी बोथ साइड्स रूट अंडर कर सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर और ये भी रूट अंडर फोर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है देन, तो देखिए दैट इज, तो ये भी क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे ए आ जाएगा है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर है मीन्स हमारा ए आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये रूट अंडर फोर है मीन्स यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा टू आएगा और यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू टू प्लस बी हो गया, बी के फॉर्मेशन में हो गया और यहाँ पे बी के फॉर्मेशन में है। तो हिन्स The required complete integral is क्या हो जाएगा, तो z equal to क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा a की value है 2 plus b और हमारा होगा x plus यहाँ पे क्या होगा b y plus c, this is the answer। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बना रहे हैं, है ना। देखिए 11 10 11 मिनट में ही क्या हो गया, तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, फोर फोर मार्क्स में आएंगे, तो आप लोग तो दो मिनट में सॉल्व कर देंगे, है ना। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देन अब फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये फोर्थ वन की वैल्यू किस तरीके से निकलेगा, देखिए यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, शुरू में लैंग्वेज इसी तरीके से सब में लिखनी है। ओके, तो द गिवन हमारा इक्वेशन है क्या है, तो पी क्यू इक्वल टू हमारा पी प्लस क्यू है, ये है इक्वेशन। ठीक है देन, तो दैट इज करके लिखते हैं पी क्यू माइनस यहाँ पे पी माइनस यहाँ पे क्यू दिस इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन कंसिडर कर लीजिए। तो ये जो फॉर्मेशन हो रही है किसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो एफ ऑफ पी क्यू की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ किस फॉर्मेशन में, तो एफ ऑफ पी क्यू की फॉर्मेशन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल इज क्या हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सेम यही होगा। ठीक है, और इसे इक्वेशन टू कंसीडर कर लीजिए। नाउ वेयर ए एंड बी जो है एंड बी आर कनेक्टेड टू द रिलेशन या बाई द रिलेशन बोलिए। ठीक है, बाई द रिलेशन कौन से रिलेशन से, तो एफ ऑफ ए बी के रिलेशन दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये कनेक्ट हुआ, देन यहाँ पे क्या करेंगे कि ए और बी पुट आउट करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी, दैट इज करके लिखिए दैट इज ए बी माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या ए और माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी दिस इज इक्वल टू जीरो। देन दैट इज क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू ये जो टर्म्स है वो हम आर एच एस में भेज देते हैं। ठीक है, माइनस वाला टर्म्स तो हमारे हो जाएंगे ए और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस बी। ठीक, नाउ अब आई बात कि हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से, या फिर बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर बी का वैल्यू निकाल लेते, चलिए बी का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। बी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ए जो है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, मीन्स ए यहाँ पे भेजना होगा। ठीक है, किसके डिनोमिनेटर में भेजना होगा, जैसे इस तरीके से जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ए जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई मीन्स डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो किस तरीके से आएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी
और वाई में हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। ओके देन, तो ये जो है इसके डिनोमिनेटर में भी है और इसके डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि b हमारे यहाँ बच जा रहा है। कम्प्लीटली हमारा a की फॉर्मेशन में आना चाहिए या फिर हमारी b की फॉर्मेशन में आनी चाहिए, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। ये जो a b है, ठीक, और इधर हम ले आते हैं क्या, माइनस b ले आए, माइनस b ये वाला टर्म्स, और a इधर ही रख देते हैं। ठीक, दैट इज, तो b हम कॉमन आउट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b जैसे कॉमन आउट करेंगे 1 माइनस दिस इज इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगा, बी का वैल्यू कैसे आएगा, ए बाई में क्या हो जाएगा, ए माइनस वन, देखिए आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए की फॉर्मेशन में कम्प्लीटली आ गया और बी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो यही थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा था, तो इसको अच्छी से करनी है। तो ये वैल्यू आ गई, देन तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी बनेगी, मीन्स रिक्वायर्ड कम्प्लीट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, हम कहाँ पे लिख दें, इक्वेशन को ही इरेज कर दे रहे हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हेंस द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल इंटीग्रल इज क्या हो जाएगा बच्चे, तो जेड इक्वल टू ए ए एक्स ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू है, ए की फॉर्मेशन में डाले हुए, तो यहाँ पे बी की जगह पे लिखेंगे सिंपल ए माइनस वन, और यहाँ पे y प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, चारों क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी टाइप टू के साथ। ये हमारी टाइप वन थी, ठीक है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टाइप वन थी, अब टाइप टू में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है।